मक्का शरीफ में मौजूद खानाए काबा के बारे में तीन अमेजिंग फैक्ट्स। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में खानाए काबा का एक हिस्सा चौड़ा था, लेकिन जब कुरैश कबीले ने इसको दोबारा तामीर किया तो उनके पास इतनी हलाल दौलत ना थी कि वो इसको पूरा वैसा ही बना सके। इसीलिए उन्होंने खानाए काबा का एक हिस्सा छोड़ दिया, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई शख्स हतीम की तरफ मुँह करके और खानाए काबा की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ेगा तो तब भी उसकी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि हतीम खानाए काबा का ही हिस्सा है और खानाए काबा के अंदर कोई शख्स नमाज पढ़े तो वो अपना रुख किसी भी तरफ कर सकता है। कोई भी शख्स हज के दौरान काबा का तवाफ करता है तो वो हतीम के अंदर से नहीं जाता, बल्कि हतीम के बाहर से तवाफ करता है, क्योंकि हतीम भी काबा का हिस्सा है। दोस्तों, यह अल्लाह की हिकमत भी है कि इसकी वजह से कोई भी आम शख्स खानाए काबा के अंदर जाने की फजीलत हासिल कर सकता है।